हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे है ना भाई आज का? और आज है शादी। और मैंने बोला था ना कि ये वाला जो नेकलेस है मैं किसी ना किसी व्लॉग में पहनूंगी, आप देख ही लोगे। तो ये वाला नेकलेस मैंने पहना है जो मीशो से लिया था। बहुत सुंदर लग रहा है ये वाली साड़ी के साथ। और अद्विक भी रेडी हो गया था। एक्चुअली अद्विक रेडी हो गया था बट अद्विक सो गया था अभी, तो थोड़ा सा वो नींद से उठा हुआ लग रहा है। बट कोई बात नहीं, उसका मूड नहीं है अब आ जाने का। बट मैंने पहले ही उसको रेडी कर दिया था बट वो सो गया था, तो इसी वजह से अभी उसका तो मूड बिल्कुल नहीं है। है आपका मूड? हाँ। है? अभी उठाया है उसे, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ कहाँ जा रही हूँ। हाँ हाँ चलना है ना, तो चलिए फिर। अद्विक कुछ, अद्विक आप खड़े रह के दिखाओ आपका ड्रेस। तो अद्विक ने ये वाला ड्रेस पहना है, बर्थडे का नहीं है बाबा, ये अरे शादी का। हाँ ये मामा की शादी का ड्रेस है। और माही ने ये वाला ड्रेस पहना है जो दिवाली के टाइम पे लिया था। और माही कुछ इस तरह से दिख रही है और अद्विक कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट अद्विक थोड़ा सा नींद से उठा हुआ लग रहा है। तो अभी इसके लिए ऐसे ही हाथ में लो ऐसे। हाँ तो चलिए मैं आपको अपना लुक दिखा देती हूँ, माही दिखा देगी फुल लुक। हाँ आपका दुपट्टा। एक्चुअली गाइज, हम लोग जब शादी में पहुँचे, मतलब जब हॉल में पहुँचे, तब क्या हुआ था कि जो रस्में होती है शादी की ना, वो पहले हो चुकी थी, तो इसी वजह से वो तो रस्में हमें देखने के लिए नहीं मिली। ये तो अच्छा हो गया था कि हम लोग शादी के टाइम पे पहुँच गए थे, मतलब शादी स्टार्ट होने ही वाली थी तो हम लोग उसी टाइम में पहुँच गए थे। तो हम लोग बैठ गए थे एक जगह पे, तो एक्चुअली थोड़ा सा पीछे बैठ गई थी मैं, इसी वजह से वो अच्छे से नहीं दिख रहा है। और माही आगे चली गई थी, तो क्या हुआ था कि वहाँ पर मैं उसको शूट करने के लिए बोलने वाली थी बट मेरा हुआ ही नहीं। यहाँ पर शादी हुई थी, उसके बाद फिर जो लॉन है वहाँ पर गए थे दूल्हा दुल्हन, और उसके बाद वहाँ पर सारा प्रोग्राम था। एक्चुअली ये जो हॉल है ना, वो वही हॉल है जिसमें एंगेजमेंट हुई थी, तो वही हॉल में शादी हुई थी। और उसके जस्ट नीचे एक लॉन है बड़ा सा, तो उस लॉन में फिर दूल्हा दुल्हन बैठे थे, और फिर वहाँ पर ही खाना वगैरह जो रिसेप्शन टाइप का नहीं होता है। एक्चुअली शादी ना शाम की थी, तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है। मोस्टली महाराष्ट्र में ना शादी दोपहर में होती है या सुबह होती है, मतलब 9 बजे से लेके 12 या 1 बजे तक का मुहूर्त होता है, बट ये वाली शादी ना शाम की थी, इसी वजह से अच्छा लग रहा था। होता है ना, बाहर का माहौल अलग ही होता है, मतलब गर्मी के मौसम में, वैसे भी गर्मी के मौसम में बाहर का जो माहौल है वो अलग ही लगता है थोड़ा सा खुले हवा में, तो इसी वजह से वो शाम की शादी में अच्छा लग रहा था। और ये दूल्हा दुल्हन की एंट्री मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसे ना वो बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, बाहुबली एंट्री बोलते हैं इसे, तो इस टाइप की एंट्री थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। एक्चुअली दूल्हा दुल्हन का जो आउटफिट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों अभी। और दुल्हन तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते, एक्चुअली वो है ही क्यूट, उसके फीचर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मेकअप में तो काफ़ी ज़्यादा भर के आते हैं उसके फीचर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। आप भी ज़रूर बताना कैसी लग रही है आपको। और दूल्हा भी बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं, मतलब मेड फॉर इच अदर इस टाइप का जोड़ा है ये। मैंने आपको एंगेजमेंट ब्लॉग में बताया था या नहीं बताया था ये तो मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि इनकी लव मैरिज है। एक्चुअली काफ़ी दिनों से ये कन्विंस कर रहे थे घर पे, बट फाइनली घर वाले कन्विंस हो गए और फाइनली इनकी आज शादी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उनको भी, वो लोग दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे। एक्चुअली होता है ना कि इतना कन्विंस करने के बाद जब फल मिलता है तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है वो, तो ऐसा ही उनके साथ हुआ, बहुत ज़्यादा खुश थे वो दोनों भी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और इस टाइप के उनका आउटफिट था, मतलब 2-3 आउटफिट चेंज किए उसने। इससे पहले एक आउटफिट था वो तो मैंने नहीं देखा, फिर बाद में ये शादी का जोड़ा है, उसके बाद जब फेरे लेते हैं उस टाइम उसने फुल महाराष्ट्रन लुक किया था, मतलब उस जो आउटफिट है पर्टिकुलर आउटफिट को उसे बोलते हैं नवारी, तो वो नवारी उसने पहनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो वो भी आप देख लेना बाद में। और जो कन्यादान होता है उस टाइम और फेरे लेते हैं उस टाइम उसने वो नवारी पहनी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एक्चुअली सारे आउटफिट में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी वो, क्योंकि
मेकअप भी बहुत सही किया था और एक्चुअली उसके फीचर्स ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से उसके फीचर्स की वजह से मेकअप उस पर बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो मुझे एक्चुअली आपने एंगेजमेंट पे भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और अभी भी इतना क्लोज करके शूट नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी वो। तो इस तरह से वो मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं तो इतना शूट करना नहीं होता है अच्छे से, और यहाँ पर फेरे का ये सेटअप किया था, मतलब फेरे और क्या बोलते हैं उसे वो कन्यादान वगैरह उसका सेटअप था ये, और ये वाला जो है वो शादी का मतलब डेकोरेशन इस तरह से था, बहुत अच्छा डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया था, तो इस तरह से किया था सारा कुछ। पर यहाँ पर हम लोग बैठे थे तो हम लोग फिर ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, एक्चुअली हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। एक्चुअली जो मेरी फ्रेंड है वो भी थोड़ा बिजी थी, सब उसके घर का प्रोग्राम था, थोड़ा सा वहाँ पर स्टेज वगैरह पे वो वहाँ पे बिजी थी भाई के साथ, और फिर हम लोग थोड़ा सा वो हो गया था ना कि हम लोग थोड़ी देर बोर हो रहे थे तो इस वजह से सेल्फी वगैरह ले रहे थे, और ये सारा डेकोरेशन था तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ डेकोरेशन भी। तो इस तरह से ये यहाँ पर खाने वगैरह के लिए स्टॉल्स लगाए थे, तो और साइड में ये एंट्री थी गेट की, और उसके जस्ट साइड में वहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी रखे थे, तो वहाँ पर भी हमने सेल्फीज़ वगैरह निकाली थी, फोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे। तो और हाँ, थोड़ा सा भूख लगी थी तो यहाँ पर पेट पूजा भी हो रही थी एक्चुअली, अद्विक कुल्फ़ी खा रहा है, मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं मंचूरियन खा रही थी एक्चुअली हाँ। और यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड है उसके कोई कुछ फ्रेंड्स थे तो उससे वो मतलब इंट्रोड्यूस करवा रही है मुझे। एक्चुअली ऐसे ही शादी वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा सा पहचान वगैरह हो जाती है किसी से, और थोड़ा मिलना जुलना भी होता है तो अच्छा भी लगता है, जैसे कहीं हम लोग जाते हैं और किसी से मिलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली शादी वगैरह में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ना मुझे रात की शादी पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, दिन की शादी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे रात की शादी, क्योंकि रात में ना इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है और मतलब टेंशन नहीं रहता है, और धूप ये वो, वैसे भी ज़्यादातर शादियाँ समर में ही होती है तो वो धूप में वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती है। एक्चुअली धूप से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और इसी वजह से ना मुझे रात की शादियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक्चुअली मुझे शादी से ज़्यादा रिसेप्शन अच्छा लगता है, क्योंकि रिसेप्शन मोस्टली रात को ही लोग रखते हैं और रात का रिसेप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। आई थिंक हमारे महाराष्ट्र में ही दिन में शादी होती होगी, मुझे नहीं लगता कि सभी की साइड में दिन में शादी होती होगी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह पे मतलब यूपी वगैरह साइड में कि रात की शादी होती है, बट हमारे यहाँ पे पता नहीं यार दिन में ही शादी क्यों रखते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी शादी भी दिन में ही हुई थी, बट मुझे उसी टाइम मैं पापा को वही बोल रही थी कि मुझे ना मतलब घर में सभी को, मेरे घर में सभी को मतलब मेरे भाइयों को भी रात की शादी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे भाइयों ने भी पापा को वही बोला था रात की शादी के लिए, बट हमारे यहाँ पे मोस्टली दिन में ही शादी होती है, इसी वजह से मेरी भी शादी दिन में ही हुई थी, बट मेरी शादी को 13 साल हो रहे हैं। तो आप उस टाइम की शादी और अभी की शादी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो फिर भी मुझे लगता है कि ठीक है। और हाँ यार, शादी का व्लॉग ना, मेरी शादी का जो व्लॉग है मतलब सीडी जो है मेरी शादी की, थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, आप लोगों ने बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट की है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ मेरी शादी का व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, कि मैंने एक्चुअली ट्राई किया था बट ना वो जो सीडी है मेरे शादी की वो ना थोड़ी सी घिस चुकी है, तो इसी वजह से जो ओरिजिनल सीडी है तो वो ना मुझे देखनी पड़ेगी मम्मी के यहाँ पे, जब भी जाऊँगी तो मुझे देखनी पड़ेगी वो, और उसके बाद मैं उसका एक अलग से व्लॉग ये करूँगी, मतलब वो अपने पेनड्राइव या किसी में लूँगी और उसके बाद मैं वो शेयर करूँगी। तो मुझे लग रहा था मैं टीवी से ले लूँ बट वो नहीं हो पाया, मैंने शूट भी किया था बट ना मैंने सोचा चलो जाने दो, मैं एक बार ही शेयर करना है तो अच्छे से शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं जब भी मम्मी के यहाँ पे जाऊँगी तो मैं वो लेके आऊँगी और अच्छे से आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ उसके लिए बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है यार, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको बार बार मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं शेयर करूँगी, हाँ शेयर करूँगी, और मैं शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर ये सेल्फी मतलब सेल्फी के लिए वो रखे थे उन्होंने, बनाया था सेल्फी पॉइंट वगैरह, तो यहाँ पर हम लोग सेल्फी भी ले रहे थे, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारी सेल्फीज़ ली और यहाँ पर मैंने फ़ोटो भी क्लिक किए। तो ये यहाँ पे हो रहा है कन्यादान, और फेरे भी होंगे,
एक्चुअली पहले कन्यादान होंगे, बाद में फेरे होंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो लुक है ये है महाराष्ट्रियन, प्योर महाराष्ट्रियन लुक। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप अभी देख लीजिए, ये वाला हमारे साइड में इस तरह से फुल महाराष्ट्रियन लुक बोलते हैं इसे। ये नवारी होती है और मतलब अभी सिलवाने लगे हैं लोग, पहले पहनते थे ऐसे ही, अभी ये सिलवा के लेते हैं क्योंकि पहनने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मतलब जैसे क्या बोलते हैं, पैंट वगैरह जैसे पहनते हैं उसी टाइप में ये पहना जाता है। तो पहले ना लोग पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और पहले ज़माने में ऐसी ही लोग डेली पहनते थे। साड़ियाँ वगैरह नहीं थी हमारे साइड में उस टाइम, ऐसे ही नवारी पहनी जाती थी। और बहुत ज़्यादा लंबा होता है ये, मतलब नवारी किसे बोलते हैं पता है, 9 मीटर की होती है। जैसे नॉर्मल साड़ी जो होती है वो 6 मीटर की बोल रही हूँ, 6 मीटर की होती है। तो ये वाली जो साड़ी है वो 9 मीटर की होती है, तो इसी वजह से ये बहुत लंबी होती है और इसे पहना भी थोड़ा सा अलग तरीके से जाता है। तो पहले वाली जो पहले ज़माने की जो लेडीज़ थी वो अच्छे से पहन पाती थी इस तरह से साड़ी ये। और इस लुक में भी जो दुल्हन है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत प्रिटी लग रही थी। एक्चुअली जब फेरे हो रहे थे उस टाइम हम लोगों ने खाना खाया था, और फिर उसके बाद बहुत लेट हो गया था यार, बहुत, ये तो बज रहे होंगे 12:30 वगैरह बज रहे होंगे, या 12 या 12:30 तो बज ही गए होंगे। दुल्हन को ना हम लोग मजाक उड़ा रहे थे दुल्हन की, क्योंकि वो रो बिल्कुल नहीं रही थी, क्योंकि विदाई के टाइम पे ना कोई भी दुल्हन रोती है, बट ये बिल्कुल नहीं रो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैप्पी थी वो, क्योंकि उसके मतलब उसे जो चाहिए था वो मिल गया था, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो हम लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे। एक्चुअली हम लोगों ने वो सॉन्ग भी लगाया था बाबुल की दुआएं वगैरह, तो फिर भी वो रोई नहीं, हंसी जा रही थी, तो इसी वजह से हम लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे कि थोड़ा सा तो रो दो, थोड़ा सा तो रो दो, फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी। और एक्चुअली सिटी के सिटी में ही था तो इतना कुछ पता नहीं चलता चल रहा था, क्योंकि जो क्या बोलते हैं लॉन था वहाँ से उसका जो ससुराल है मतलब लड़की का जो घर है बहुत ज़्यादा पास में था, इसी वजह से इतना लेट हुआ तो फिर भी कुछ लगा नहीं ऐसे। उसके बाद विदाई होने के बाद फिर मैं घर पे गई थी, मुझे घर पे उन्होंने छोड़ा था। एक्चुअली ये नहीं आए थे, ये ड्यूटी गए थे, तो इसी वजह से हाँ इनका आना नहीं हुआ था। एक्चुअली ये ना 3 दिन भी नहीं थे, संगीत के दिन भी इनकी ड्यूटी थी, इसी वजह से उन्होंने हमें छोड़ा था वहाँ पे और फिर ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद दूसरे दिन भी जब बारात निकली थी और हल्दी थी उस टाइम भी ये नहीं थे, वैसे ही इन्होंने हमें छोड़ा था वहाँ पर और ड्यूटी चले गए थे। सिर्फ रिसेप्शन के दिन वो आ पाए थे, तो रिसेप्शन के दिन हम लोग साथ में गए थे फिर। तो इसके बाद विदाई तो हो गई, अब आप रिसेप्शन के दिन का देखोगे सारा। शाम के हो गए हैं 8:30, हम यहाँ पर माही हो गई रेडी, माही ने मेरी वजह से रेड पहना है। और आदि को और उसके पापा मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ कहाँ जा रहे थे। तो रिसेप्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए फिर जल्दी से जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके मिलती हूँ मैं आपसे। अद्विक, अद्विक तो अंधेरे में दिख भी नहीं रहे हो। हाँ वाओ, अद्विक तो हीरो ही लग रहा है, देखो। ओह माय गॉड, अद्विक ऊपर देखो। ओह हाँ,
सो गाइज, पहुंचने के बाद कुछ इस तरह से डेकोरेशन किया था, बहुत ज़्यादा एंट्रेंस अच्छा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह का एंट्रेंस, क्योंकि लाइटिंग वगैरह, कलरफुल लाइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसके बाद। और यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह लगाए थे, जो उन्होंने प्री वेडिंग शूट किया था वो फ़ोटोज़ लगाए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। क्योंकि वो जो भी आ रहा था वो पहले उनके फ़ोटोज़ के पास रुक रहा था, देख रहा था, फिर आगे जा रहा था, मतलब हॉल में जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने के लिए। एक्चुअली उनके जो फ़ोटोज़ है बहुत ज़्यादा अच्छे निकले थे, और वैसे भी दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो दोनों साथ। और ये है मेरी फ्रेंड, एक्चुअली वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, उसका भी लुक बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसे ना मैं शूट करते दिखी तो थोड़ा सा वो शर्मा गई थी। तो उसके बाद हम लोग दूल्हा दुल्हन से मिलने गए थे, दूल्हा दुल्हन से मिलने जा रहे थे, तो एक्चुअली बीच में ना दूल्हे का भाई मिल गया था, तो उससे बातें करने में लग गए थे। तो ये है दूल्हे का भाई, जिसको आपने देख ही लिया है अभी पहले व्लॉग में, मतलब 2-3 व्लॉग में तो आप देख ही चुके हो उसे। एक्चुअली वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था उस दिन, हैंडसम लगना तो बनता ही था क्योंकि उसके भाई की शादी जो थी। और यहाँ पर हम लोग फिर फ़ोटो क्लिक करने के लिए आ गए थे, दूल्हा दुल्हन से मिले, फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक किए हैं यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के साथ। और यहाँ पर ना उन्होंने सेल्फी पॉइंट रखा था ये वाला, तो यहाँ पर मैंने माही के पास एक्चुअली फ़ोन दिया था कि मेरा मतलब फ़ोटो क्लिक करो, बट माही ने ना वीडियो निकाल लिया, तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। इसी वजह से मैंने आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं, आपने देख ही लिए वो वाले फ़ोटोज़। और हाँ, इसके बाद कपल डांस होगा, मतलब दूल्हा दुल्हन का डांस होगा, तो वो भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छा डांस किया है उन दोनों ने। लोग घर पे आ गए हैं और अभी बज रहे हैं 11:30। तो सभी ने चेंज कर लिया है, मेरा चेंज करना बाकी है अभी भी। ये देखिए आद्विक, चड्डी मैंने पहन लिया मेरे, चड्डी मैंने पहन लिया। अच्छा, चड्डी मैंने पहन लिया देखने तो। पापा अच्छा, गाड़ी दिखाया, गाड़ी, गाड़ी अच्छा नहीं, गाड़ी भी दिखा दे क्या आदमी? तो मेरी नवीन गाड़ी है ना, दिखा दो तो। दिखा दो नवीन गाड़ी है, दिखा गाड़ी दो। ओह माय गॉड, नवीन गाड़ी दिखा तो चलिए। नहीं माय, अभी रुको 1 मिनट बेटा, तो चलिए मामा। ओ तो चलिए, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। हाँ, मोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, वीडियो रिलेटेड टिप्स, वीडियोस, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे थे, मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बकरी ये चूड़िया तो, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। दीदी झोपली तुझी, चलिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, लव यू ऑल।